ये वही गेम है ना जो हम बचपन में खेलते थे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट मूवीज़ को। इन सारी की सारी मूवीज़ को आप यूट्यूब पे इजीली वॉच कर सकते हो और इन सभी मूवीज़ के लिंक्स आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस बेहतरीन लिस्ट के अंदर आपको हर तरह के जॉनर की मूवीज़ मिल जाएंगी, लाइक एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इस लिस्ट के अंदर ऐड की गई हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है ताकि आपको पता चले कि कौन सी मूवी कितने नंबर पर होने वाली है। सबको पता है कि इन मूवीज़ को यूट्यूब पे इलीगली अपलोड किया जाता है, तो बाय चांस अगर इन मूवीज़ के लिंक्स वर्क नहीं कर रहे तो आप मेरे टेलीग्राम से इन मूवीज़ को डाउनलोड करके वॉच कर सकते हो फ्री में। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर लेना। तो मूवीज़ का काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है गाइस, तो कर देना यार। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया में तुमसे ज्यादा बेवकूफ और कौन होगा? तुम चलती फिरती मनहूसिया था। नंबर 10 पे एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी जिसका नाम है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया द वेज ऑफ डाउन ट्रेडर। ये मूवी आई थी 2010 में, जिसे आईएमडीबी ने 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो गाइज ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ बच्चों की जो अपने घर के अंदर एक पेंटिंग को देख रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उस पेंटिंग में से पानी बाहर आने लगता है। वो बच्चे उस पानी के अंदर डूब जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो वो नार्निया के वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुके होते हैं। नार्निया के वार्ड में कुछ खतरनाक होने वाला होता है, इसलिए इन बच्चों को वहाँ पे बुलाया गया होता है, क्योंकि ये बच्चे वहाँ के राजा महाराजा होते हैं। और वहाँ पे एक शेर होता है जो उन्हें बताता है कि तुम्हें क्या कुछ नहीं करना इस मैजिकल वर्ल्ड को बचाने के लिए। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर क्या कुछ एडवेंचरस होगा ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही वॉच करने को मिलेगा। नंबर 9 पे एक एनिमेशन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है द बॉक्स ट्रोल्स। ये मूवी आई थी 2014 में, जिसे आईएमडीबी ने 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। गाइस ये एक नेक्स्ट लेवल एनिमेशन मूवी है। इस मूवी को देखते टाइम आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो। तो कहानी बेस्ड है वैनी और एक्स के ऊपर। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि शहर के नीचे रहने वाले बॉक्स ट्रोल की वो हेल्प करेंगे, क्योंकि इंसान बॉक्स ट्रोल से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं इसलिए। तो इसकी कहानी एक अलग ही लेवल होने वाली है गाइस, जिसे आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बाकी ये मूवी ठीक ठाक होने वाली है, तो आप लोग इसे टेंशन फ्री होकर देख सकते हो। नंबर 8 पे एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर मूवी जिसका नाम है ज़थूरा ए स्पेस एडवेंचर। ये मूवी आई थी 2005 में, जिसे आईएमडीबी ने 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। गाइस वैसे तो ये मूवी जुमांजी सीरीज का ही पार्ट है, लेकिन इसे उसके साथ काउंट नहीं किया जाता। आई डोंट नो ऐसा क्यों है गाइस, लेकिन मूवी मस्ट वॉच है। तो बात करें अगर इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी बेस्ड है दो भाइयों के ऊपर जो एक ज़थूरा नामी गेम को खेलते हैं और वो अचानक से स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन होने वाला है, क्योंकि वहां पे इनका सामना कुछ खतरनाक चीजों से हो जाता है, जहां से निकल पाना बड़ा ही खतरनाक और टफ होने वाला है। नंबर 7 पे एक नेक्स्ट लेवल साइंस फिक्शन एक्शन मूवी जिसका नाम है सेल्फलेस। ये मूवी आई थी 2015 में, जिसे आईएमडीबी ने 6.5 की रेटिंग दी है। तो कहानी बेस्ड है एक ऐसे बंदे के ऊपर जिसके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन गाइस वो बूढ़ा हो चुका होता है और वो जीना चाहता है। तो बंदा एक साइंटिस्ट की मदद से अपनी सोल को एक यंग इंसान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवा देता है। उसके बाद वो अपनी लाइफ को एक्सीलेंट तरीके से इंजॉय करता है, लेकिन गाइस फिल्म की कहानी तब पलट जाती है जब इस एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा खतरनाक होने लगते हैं। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर क्या कुछ थ्रिलिंग और साइंस फिक्शन होने वाला है ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही वॉच करने को मिलेगा। And we both know who takes over. I'm the only one standing between you and oblivion. नंबर 6 पे कलर आउट ऑफ स्पेस। ये मूवी आती 2019 में, जिसे आईएमडीबी ने 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो गाइज ये एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की, जिनके घर के सामने एक मिस्टीरियस चीज स्पेस से गिर जाती है। बस वहीं से इस फैमिली का बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है। तो इस फैमिली के साथ आखिर क्या कुछ होगा ये जानने के लिए आपको वॉच करनी होगी कलर आउट ऑफ स्पेस। Do you believe me now? I don't know what I believe anymore.
नंबर 5 पे एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा क्राइम मूवी जिसका नाम है जोकर। ये मूवी आती 2019 में, जिसे IMDb ने 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये मूवी कैसी होने वाली है। तो कहानी बेस्ड है ऐसे इंसान के ऊपर जिसका नाम होता है आर्थर। आर्थर को एक बीमारी होती है, जब भी वो टेंशन में होता है वो हंसने लगता है और लोग ये समझ लेते हैं कि वो हमारे ऊपर हंस रहा है, और इसी वजह से कोई ना कोई आर्थर की बैंड बजाता रहता है। तो अब आर्थर ये डिसाइड करता है कि उसने बहुत रो लिया, वो जोकर बनकर लोगों की बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है। तो बस यहीं से इस मूवी की कहानी एक अलग ही डायरेक्शन ले लेती है जो देखने लायक है। Can you introduce me as Joker? नंबर 4 पे एक फैंटेसी मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है डार्क शेडोज। ये मूवी आती 2012 में और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग्स मिले 6.2 आउट ऑफ 10 के। इस कमाल की मूवी के अंदर आपको जॉनी डिप देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी बेस्ड एक ऐसे बंदे के ऊपर जिसके प्यार में एक विच पड़ जाती है और वो उसे ठुकरा कर किसी और को चाहता है, इसलिए वो चुड़ैल जॉनी डेप को श्राप देकर वैम्पायर में कन्वर्ट कर देती है। इस बेहतरीन मूवी के अंदर आपको एक अलग ही लेवल की कॉमेडी, फैंटेसी, मैजिक देखने को मिलेगा जो आप लोगों ने जरूर वॉच करना है। Restore the family business to its form for us and fight I shall. नंबर 3 पे द लास्ट वॉरियर। ये मूवी आती 2017 में, जिसे IMDb ने 6.5 की रेटिंग दी है। तो गाइस, ये एक बेहतरीन मैजिक फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है इवान नामी लड़के की, जो अपने फ्रेंड को मिलने के लिए एक जगह पे जाता है, लेकिन सडनली वहाँ से ये बंदा एक अलग ही टाइम में पहुंच जाता है। तो ये इंसान आखिर कैसे उस टाइम में टेलीपोर्ट हो गया, और वहाँ पे इसका सामना कुछ खतरनाक चीजों से भी होता है। तो अब देखने ये है कि ये बंदा वहाँ से अपनी दुनिया में लौट पाता है कि नहीं, जानने के लिए आपको वॉच करनी होगी द लास्ट वॉरियर। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे एक लाजवाब मूवी जिसका नाम है रेड नोटिस। ये मूवी आई थी 2021 में, जिसे IMDb ने 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो सीधा आते हैं प्लॉट पे। इस मूवी के अंदर में दिखाए जाते हैं 3 बेशकीमती एग्स, जिन्हें चुराने के लिए उनके पीछे 2 चोर पड़े होते हैं, और उन 2 थीव्स को पकड़ने के लिए उनके पीछे एक FBI एजेंट पड़ा होता है। वो एजेंट इन चोरों की जाल में फंस जाता है और उसकी बैंड बच जाती है, बट किसी भी तरह वो एक चोर को पकड़ कर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उस चोर के साथ मिलकर दूसरे चोर को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तो गाइस, ये एक नेक्स्ट लेवल मूवी है जो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। चोर पर भरोसा भारी पड़ सकता है। इसकी माँ। सो फाइनली गाइज, नंबर 1 पे एक मूवी नहीं बल्कि वेब सीरीज जिसका नाम है स्क्विड गेम, और इसे रिलीज किया गया था 2021 में। इस वेब सीरीज की कहानी एक अलग ही लेवल है गाइज, तो इसकी स्टोरी में ज्यादा कवर नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि इसके अंदर हमें एक गेम दिखाया जाता है जिसमें हालात से तंग आकर कुछ लोग पैसे के लिए पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ये गेम कोई ऐसा वैसा गेम नहीं होता, ये एक मिस्ट्री से भरा हुआ गेम होता है। इसमें जो हार गया समझो इस दुनिया से गया। तो ये थी हमारी कुछ बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज। आई होप की लिस्ट आपको अच्छी लगी होगी। बाकी लाइक और सब्सक्राइब आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये तो नाइंसाफी है, तुम लोग ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते। जो प्लेयर खेलने से मना करेगा एलिमिनेट कर दिया जाएगा।